Okay, get tab. चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्नेक लवर एक ही चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का रेस्क्यू कॉल दोस्तों हमें ग्राम पुनासा से आया है, जो हमारे इंजीनियर क्लास से दोस्तों 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक रेड स्नेक है और इन लोगों को भी देख सकते हैं दोस्तों आप। ये इसे मारने के लिए आए थे, लेकिन घर वालों ने बोला कि हमें फ़ोन लगा दिया है दोस्तों, तो आप इसे मारे नहीं। दोस्तों हम मौके पर पहुंच चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे किसान अपना अनाज रखता है दोस्तों, और अनाज को खाने के लिए चूहे आते हैं और चूहों को खाने के लिए सांप आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियाँ समाप्त करते हैं और ले चलते हैं दोस्तों आपको इस सांप की ओर। ये रेड स्नेक है दोस्तों, काफ़ी फुर्तीला होता है और इसका पसंदीदा भोजन चूहा होता है दोस्तों, और चूहा खाने के लिए दोस्तों इधर उधर आ जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोग डरे हुए हैं। ये एक रेड स्नेक है जो एकदम नॉन वेनमस होता है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का वेनम नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इसे बाहर लाते हैं और भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। एक प्रकार से दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसे किसान मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे खेतों में अनाज को बचाते हैं और इन जीवों को मारे नहीं दोस्तों। ये हमारे पर्यावरण के मित्र हैं, हमारे मित्र भले ही ना हो लेकिन हमारे पर्यावरण के मित्र हैं दोस्तों, और प्रकृति का भी हिस्सा है दोस्तों ये। जिस प्रकार हम प्रकृति के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार प्रकृति इनके बिना अधूरी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी लंबाई 5 से 6 फीट की है। ये काफ़ी फुर्तीला होता है दोस्तों, काफ़ी एक्टिव होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई वेनम नहीं पाया जाता है दोस्तों, इसके काटने से इंसान को कुछ नहीं होता है, लेकिन हार्ट बीट के कारण लोग डर की वजह से मर जाते हैं दोस्तों, और इन सांपों को बदनाम कर देते हैं। चलिए दोस्तों, इसे पैक करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का वीडियो देख के आप कॉपी ना करें दोस्तों, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए कहा गया है दोस्तों। आप करेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे काम आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसे हम ले चलते हैं ऐसी जगह जहाँ पे इंसानों का आना जाना ना हो। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।